नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी GNTST थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो है अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अलॉटमेंट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो कब आएगी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि GNTST थर्ड राउंड के काउंसलिंग की अलॉटमेंट लिस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि आने की जो संभावना है, वो कम है। जो कब है ये ही मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब वो GNTST थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो इसकी डेट दोस्तों 23 तारीख तक थी, और दोस्तों 23 से लेकर 26 तारीख तक थी, और लगभग 29 तारीख को दोस्तों इसके अलॉटमेंट आ रहे थे। लेकिन दोस्तों बाद में इसकी जो है डेट जो है बढ़ा दी गई, और दोस्तों जो डेट है वो 4 फरवरी तक आप आवेदन, यानी कि आज जो है लास्ट डेट है GNTST थर्ड राउंड की काउंसलिंग, यानी कि आप GNM कोर्स करना चाहते हो तो आप जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग अभी कर सकते हैं, अभी चालू है। दोस्तों इसके जो अलॉटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से दोस्तों 7 फरवरी को या फिर उससे पहले आ सकते हैं। तो फ्रेंड 7 फरवरी को या फिर उससे पहले आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर दोस्तों जो है GNTST आज शाम को या फिर कल कोई नोटिस जारी करे जिसमें वो पूरा रिवाइज शेड्यूल बताए। क्योंकि दोस्तों इन्होंने डेट जो है बढ़ा दी थी GNTST थर्ड राउंड की काउंसलिंग की, जो है दोस्तों 26 से लेकर 4 तारीख कर दी गई थी।